अब तक की सबसे बड़ी खबर कॉम्पोजिट फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत कल्याण की हत्या कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की माने तो उनके साथ कमरे में एक एस्कॉर्ट भी थी। उनकी हत्या के पीछे इस एस्कॉर्ट का हाथ हो सकता है। मिल गया मीडिया को एक महीने का मटेरियल। प्लीज एक लाइट चालू कर दीजिए, अंधेरे से बहुत डर, क्या डर लग रहा है? अपने बाप उम्र के आदमी के साथ सो रही थी, डर नहीं लगा? ये केस आप ही लड़ सकते हैं सर। मैंने 10 साल से वकालत की, मैं कैसे लड़ूंगा इस केस को? हमें एक ऐसा वकील चाहिए जो आजकल के तौर तरीके जानता हो। आप क्या बताएंगे राजवीर कि पापा का मर्डर हो गया है ऐसे एक कमरे में किसी लड़की के साथ? मैं वादा करता हूँ उस नताशा नारंग को सजा मिलेगी, और वो भी पापा की चिता की राख ठंडी होने से पहले। आपके कहने से मैं उस लड़की से मिलकर आया, सारे सबूत और एविडेंस उस लड़की के खिलाफ है। आकाश जी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मैं नताशा नारंग का वकील, उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये लोग मुझे सोने नहीं देते, बार बार एक ही सवाल पूछते रहे। मुझे पता भी नहीं है बाहर क्या चल रहा है, दिन है या रात है, वक्त क्या है। क्योंकि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, और आने वाला वक्त और भी मुश्किल होने वाला है। ये लड़की कुछ चंद पैसों के लिए अपना जिस्म बेच सकती है, तो क्या ये लड़की 23 करोड़ रुपए के लिए खून नहीं कर सकती? हाँ, नताशा नारंग एस्कॉर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं माय लॉर्ड ये खूनी। कुछ लोग इतने टैलेंटेड नहीं होते कि अदालत के अंदर लड़कर जीत सके, इसलिए वो अदालत के बाहर लड़ते। Your Honor, it's an open and shut case. एक सस्पेक्ट और इतने सारे सबूत। कुचल के रख दूंगा तुम्हें। तुम जानते हो मैं क्या हूँ? कॉकरोच। हेलो हेलो हेलो, भूल गई तुम? What? तुम और मैं, we are untouchables. रब ने बना दी है जोड़ी, एक सुइसाइड केस, एक एस्कॉर्ट छोरी।